ये बाहर से बैठने वालों को भी एकाग्रता नहीं मिलती है और बाहर से सब काम करने वालों को भी एकाग्रता मिल जाती है। मतलब वो आपको उसका काम ही नहीं लग रहा कुछ भी। बोल जी, ज्योति गांठने वाले ने क्या साधना की है? वो तो जाके रोज गांठता है। अरे रोज गांठ रहा है इतने वर्षों से, यही साधना है उसकी। और उसको गांठते समय उसका चित्त कहाँ है, उसका भाव क्या है, उसका विचार क्या है, उस पर डिपेंड करता है। अगर उसका विचार और उसका भाव उस समय सात्विक है, उस काम को भी वो अपना कर्तव्य समझ रहा है, उसको वो अपनी पूजा समझ रहा है, उसको करते हुए वो अपने आप को प्रसन्न अनुभव कर रहा है, तो वही साधना है। और यदि आप ध्यान करते हुए भी टेंशन में हैं, हवन करते हुए भी आपके मन में विचार दूसरे चल रहे हैं, हवन करते हुए भी आपके मन में भाव दूसरे चल रहे हैं कि ये घी फूकने से क्या फायदा, हमारे को यहाँ इतनी देर बिठाने से क्या फायदा, इससे अच्छा तो दो दो चम्मच हमें दे देते, हम खा लेते, तो वो हवन भी हमारे लिए साधना नहीं बनेगा। संगठन में कितने लोग सेवा करते हैं? लाखों करोड़ों लोग लगे हुए हैं, लेकिन वो किस भाव से करते हैं? वो करते समय चित्त की क्या स्थिति रहती है, उसके ऊपर सेवा डिपेंड करती है। अगर सेवा करते समय कुछ लेने का भाव है कि कोई मेरी प्रशंसा करे, कोई मेरे बारे में कुछ कहे दो शब्द की, कितना कर रहा हूं, काम बिल्कुल अच्छा करता है, कोई त्रुटि नहीं है, लेकिन बस इतनी ही त्रुटि है कि ये चाहता है कि कोई कहे, और कोई मतलब ऐसा अपराध भी नहीं है लौकिक दृष्टि से, चाहना हम भी कह देते हैं, भी ठीक है, इसकी बड़ाई कर में जाता क्या है, काम तो कर ही रहा है ना। एक व्यक्ति चाहता है कि मेरे को प्रशंसा मिले, दूसरे लोग उसको जाने, एक व्यक्ति चाहता है कि दूसरे लोग इसका अनुसरण करें, मैं इतना कर रहा हूँ तो फिर मैं इसका प्रभारी बनूं और मेरे कहे अनुसार सब वैसा करें। तो ये जो चाहत है हमारी, और कभी कभी वो चाहत इतनी चालाकी से हमारे चित्त में रहती है कि हमें लगता है कि नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं चाहता हूँ, और फिर ऐन मौके के ऊपर यदि उसको आशीर्वाद ना दिलाएं या उसका नाम ना लें तो फिर उसका अहंकार बिगड़ जाता है, तो उस समय पता लगता है, फिर वो उल्हाने देता है, मैंने तो इतना किया संगठन के लिए, इतने दिन किया और मेरे साथ ऐसा हुआ, तो फिर वो उसका सारा जो भी उसने सेवा की थी वो सारा का सारा अकाउंट है वो सेवा में नहीं ऐड होगा, और सेवा में चला जाएगा, सामान्य काम में चला जाएगा, फिर वो सेवा में नहीं होगा। सेवा का मतलब है कि सेवा करने के बाद प्रसन्नता मिले, ऐसा नहीं, प्रसन्न होकर के जो किया जाए और बदले में कुछ भी ना चाहे तो फिर वो सेवा के खाते में ऐड होगा। तो ये मतलब साधना क्या है और साधना किसने की है, ये कोई बाहर के उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है, कर्मकांड के ऊपर। कितने ऐसे लोग हुए जिन्होंने अपने सब लौकिक कार्य करते हुए उच्च स्थिति को प्राप्त किया, राजकाज संभालते हुए उच्च स्थिति को प्राप्त किया, लौकिक दृष्टि से सामान्य से कार्य, जो झाड़ू लगाना, जूती बनाना, ऐसे सामान्य कार्य हैं, उनको करते हुए भी चित्त की उस स्थिति को प्राप्त किया। तुलाधार नाम का वणिक अपनी दुकान पे बैठता था, पूरे दिन तोलता था, और वो जो तराजू है बस उसको उसने बना रखा था कि ये ऐसे रहती है, इधर या उधर नहीं होती है, ऐसे मेरा चित्त भी ऐसा रहे, तो उसने वो करते करते उस स्थिति को प्राप्त कर लिया। कुछ महिलाएं अपने घर परिवार में अपने पति को, सास ससुर को, उनकी सेवा करते करते उसमें इतनी एकाग्रता उनकी बन जाती है कि मेरे लिए तो यही भगवान है, उन्होंने उस स्थिति को प्राप्त किया। ये तो ये जो है ये सारा अभी तो बता तो दिया, उसमें साधन पाद में तो यही तो बताया महर्षि पतंजलि ने, विचार और भाव कितना बल दिया, आधे से ज्यादा पाद तो उसी के ऊपर है। वृत्ति निरोध, वृत्तियों में भी क्लिष्ट को हटाना, अक्लिष्ट को रखना, माने सात्विकता का अभ्यास करना, भावों का ध्यान रखना, भाव क्या है, भाव का ही प्रभाव पड़ता है, शब्दों का प्रभाव नहीं पड़ता है, भाव का प्रभाव पड़ता है। और
एक भाव में जीने वाला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के भाव को समझ सकता है। आपको पता है यहाँ संसार में कई तरह की भाषाएं हैं और उन भाषाओं को सब व्यक्ति नहीं समझ पाते। भाषा का मतलब मैं ये यहाँ पर कोई गुजराती, मराठी, बंगाली, उड़िया ये नहीं कह रही हूँ। एक यहाँ एक ही समूह में रहने वाले, पतंजलि योगपीठ में रहने वाले या किसी भी परिवार में रहने वाले जो सदस्य होते हैं, एक भाषा बोलने वाले लोगों की भी कई भाषाएं होती हैं। अब शब्दों की एक भाषा है तो कुछ लोग केवल शब्दों को समझते हैं, तो जो भी मीठा मीठा बोलेगा, जो भी धीरे धीरे बोलेगा, जो भी मतलब, तो वो उनके चक्कर में फंस जाते हैं। तो ऐसे शब्दों के चक्कर में फंस के कितने लोगों के जीवन बर्बाद हुए, कितने लोग बैला फुसला लिए जाते हैं। वो शब्दों की भाषा समझते थे केवल। कुछ लोग प्रेम की भाषा समझते हैं, भावनाओं की, तो वो तुम्हारी माता जी तुम्हारे साथ थोड़े ना ऐसे बना बना के शब्द बोलती हैं, वो तो डांटती भी हैं आपको, लेकिन उनकी प्रेम की एक भाषा है, उसको बच्चा समझ लेता है। और बच्चे के जो प्रेम की भाषा है उसको माँ समझ लेती है। बच्चा अपनी माँ के सामने सबसे ज्यादा रूढ़ली बोलता है, बाहर किसी से बात करेगा तो बड़े तरीके से, सलीके से करेगा, उसमें नैतिकता सब दिखाएगा। जब माँ के साथ बात करेगा तो कोई उसको मतलब वो ध्यान नहीं है कि मैं ऐसे बात करूं, जो मन में आता है वैसे कर लेता है। लेकिन वहां माँ शब्दों की भाषा को नहीं सुनती है, नहीं जानती, वो उसके प्रेम की भाषा को जानती है, ममत्व की भाषा को जानती है। तो एक प्रेम की भाषा होती है, एक शब्दों की भाषा होती है, एक भावों की भाषा होती है। इस व्यक्ति की इंटेंशन क्या थी ये कहने के पीछे, और हम उन भावों की भाषा समझते हैं तो शब्दों से ना अच्छा मानते हैं ना बुरा मानते हैं। कुछ लोग हमें बहुत अच्छा अच्छा बोल जाते हैं हमारे बारे में, तो हम कोई आकर्षित नहीं होते हैं उनसे, अभिभूत नहीं होते हैं। हमें पता है भाई उनका भाव क्या था, उनका भाव थोड़ी बड़ाई करना था, वो कर गए, बात खत्म। कोई व्यक्ति हमारे बारे में हमें डांट के चले जाते हैं और हम नाराज नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? हमें पता है भाई उनके भाव ऐसे नहीं थे, उनका भाव ऐसा था, हमारे ऊपर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता है। आंसुओं की एक भाषा होती है, आंख से आंसू आते हैं ना। कभी व्यक्ति का चित्त ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है कि वहां शब्द बोले नहीं जाते, कुछ भी कहा नहीं जा सकता उस समय। या तो अत्यंत सुख की स्थिति भी हो सकती है, वो अत्यंत दुख की स्थिति भी हो सकती है, तो उस समय भाषा काम करती है आंसू की, आंसू आ जाता है आंख में। अब उस भाषा को समझने वाला चाहिए कि बोला नहीं जा रहा है। मतलब महात्मा बुद्ध के पास जब एक व्यक्ति आया और वो स्नान करके आए थे गंगा से, और आके उनके ऊपर कीचड़ डाल के चला गया, बड़ा नाराज होके उनको गालियां सुना के, पहले गालियां सुनाई दूर से तो फिर पास में आके उनके ऊपर कीचड़ डाल के चला गया। अब उनके शिष्य थे आनंद, बहुत नाराज हुए, और महात्मा बुद्ध ऐसे ही बैठे रहे। तो बोले, महाराज आप कुछ रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हो, ये कोई तरीका होता है भी? आप इतने बड़े महात्मा हैं, हमारे ही मठ में आकर के और हमारे शास्त्र के ऊपर ऐसे कीचड़ डाल के चले गई है। उन्होंने कहा कि आनंद एक भाषा है ये व्यक्ति बोल नहीं पा रहा है, कुछ कहना चाह रहा है कह नहीं पा रहा है, ये भाषा है इसकी। तो कोई नहीं, आप शांत रहो। और फिर अगले दिन वो ही व्यक्ति आया और वो उनके चरणों में आके जोर जोर से रोने लग गया, पैर पकड़ लिए महात्मा बुद्ध के कि मेरे से बड़ा भारी पाप हो गया, मैंने तो साक्षात भगवान का अपमान कर दिया। तो फिर उन्होंने, आनंद ने कहा कि इसको निकालो यहाँ से, अभी आ गया नाटक करने, कल वाला ही व्यक्ति है ये। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, आनंद ये कुछ कहना चाह रहा है, इसकी वाणी से वो निकल नहीं रहा है, इसकी आंखें कह रही हैं, इसके आंसू कह रहे हैं। तो अगले दिन वो पश्चाताप की भाषा थी उसकी, पहले दिन शिकायत की भाषा थी, उसने कहीं से कुछ सुन लिया, वो कुछ शिकायत करना चाह रहा था, अब शिकायत मुख से बोल नहीं पाया, इसलिए कीचड़ फेंक के चला गया। तो ये अनेक अनेक प्रकार की हमारे चित्त की स्थिति और अनेक अनेक भाषाएं होती हैं, तो उसको उसी रूप में समझना, तो ये साधना के बहुत सारे तरीके हैं, और हर समय में कोई एक ही तरीका
एक ही शस्त्र काम आता हो ऐसा नहीं है, अलग अलग समय में अलग अलग दवाई काम आती है। पेट में दर्द होता है तो मेथी नमक काम आता है, दांत में दर्द होता है तो हल्दी नमक काम आता है, लौंग काम आती है, अलग अलग जगह में अलग अलग दवा काम आती है ना अलग अलग रोग में। तो ऐसे हमारे सुबह से शाम तक जीवन में जितनी भी सिचुएशंस पैदा होती हैं प्रतिकूल, तो उसमें अलग अलग टॉनिक काम आती हैं। जब जो याद आ जाए कर लो, जब कभी कोई ज़्यादा उल्टा पुल्टा करने लगे तो फिर मुझे तो कई बार ऐसे लगता है मेरे ही तो हैं, अपने ही तो हैं, हैं तो मेरे ही, बस इतनी सी दवा काम कर जाती है। विद्यार्थी हैं तो भी मेरे ही हैं, भाई बहन हैं तो भी मेरे ही हैं, बड़े हैं तो भी मेरे ही हैं। तो माँ तो ऐसे ही तो सहन करती है, उसको पता है कि बच्चा है, पति है, बेटी है, बेटा है, कर रहे हैं तो मेरे ही ना, तो बस इतना सा ये टॉनिक उसको काम आ जाती है और वो अपने आप को शांत रख लेती है अपने मन को। और यदि मेरे वाले नहीं है, बाहर वाला कोई ऐसा कर दे तो फिर वो बिगड़ जाएगी, फिर नहीं सुनती है किसी की। अलग अलग समय में अलग अलग चीजें काम आती हैं। तो हमारे पास तो बहुत सारी चीजें हैं ना, ये पढ़ पढ़ के आपके पास टॉनिक का पूरा भंडार भरा है। तो जब आपको जो कारगर लगे और जो याद आ जाए उसी का प्रयोग कर लो। तो ये इन्होंने तीन चीजें बता दी, चित्त को साधने के लिए तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तप तो करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि किसी के जीवन में एक ही जैसी परिस्थितियां बनी रहें, ऐसा नहीं होता है। सुखदाई भी नहीं रहती हैं कभी भी, दुखदाई भी नहीं रहती हैं कभी भी। रात और दिन रोज आते हैं ना दोनों, दिन ही दिन बना रहे ऐसा नहीं होता है, या रात ही रात बनी रहे ऐसा भी नहीं होता है। रोज आते हैं, दिन भी आता है, रात भी आती है, प्रतिकूलताएं भी आएंगी। आज नहीं है आपके सामने तो कोई बात नहीं, पर ऐसे मत सोचना कि जीवन भर ऐसे ही कटेगा, ऐसा नहीं, आएंगी, वो सबको पार करना ही होता है, रास्ता ही ऐसा है, पथ का विधान सुना रखा ना आपको, आएगा वो। और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई प्रतिकूलता आई है तो बस अब यही मेरा जीवन है, अब मेरे जीवन में कोई राह ही नजर नहीं आ रही है, घोर अंधेरा आ गया, अब कहाँ जाऊं, अब तो रास्ते ही बंद हो गए, ऐसा नहीं है, जाएगा, ये आया है ना, आया है तो आने वाला हमेशा जाएगा। प्रतिकूलता पहले थी नहीं, अभी जीवन में आई है, आई है तो ये जाएगी, विस्थाई नहीं है। तो रोज आना, शाम को पुष्प बंद हो जाता है सूर्यास्त के समय, लेकिन वो खुलने के लिए बंद हुआ है, सूर्योदय होगा वो खुलेगा। तो आज यदि मुरझा रही है कली तो कोई बात नहीं, कल फिर खिल जाएगी, ये ही तप है। तो तप करना, तप आगे बताएंगे अभी, तपोद्वंद्व सहनम, यहाँ तो केवल इतना बता दिया कि जिसको भी योग मार्ग में चलना है तो उसको तपस्वी होना पड़ेगा। तप क्या है वो आगे बताएंगे, द्वंद्वों को सहन करना, द्वंद्व आते ही हैं रोज हमारे जीवन में। और स्वाध्याय, तो स्वाध्याय भी बता दिया, जप करना, प्रणव आदि या गायत्री आदि मंत्रों का जप करना, या मोक्षदायक शास्त्रों का अध्ययन करना। और स्वाध्याय का अर्थ कुछ विद्वान आत्मनिरीक्षण भी लगाते हैं, अपना ही अध्ययन करना। जैसे यही योग दर्शन में ही आगे आएगी चतुर्थ पाद में, आत्म भाव भावना, कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, किस प्रयोजन से आया हूँ, आगे कहाँ जाना है, इस प्रकार से अपने बारे में अध्ययन करना, जहाँ से आया था और जहाँ जाना है और जिस काम के लिए आया था वो कितना कर लिया, कितना बाकी है, दिशा ठीक चल रही है कि उल्टी चल रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जीवन कटते कटते और मैं कहीं और ही पहुँच जाऊँ। तो ऐसे अपना आत्मनिरीक्षण करना, ये भी स्वाध्याय में आता है, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान का चर्चा हमने कर ही ली, अपनी तरफ से 100% पुरुषार्थ करके और फिर किसी अपने से महान शक्ति के ऊपर ये विश्वास कि वो मेरे लिए जरूर अच्छा ही करेंगे। वो तो सब माताओं की भी माता है ना, माओं की भी माँ है ईश्वर, तो माँ कभी अपने संतान का अहित नहीं कर सकती है। लेकिन हो सकता है कि संसार की जो माँ है उसका बिचारी अल्पज्ञ है,
तो कभी किसी अपवाद रूप से किसी परिस्थिति में हो सकता है वो बच्चे का भी अहित कर दे, या किसी मजबूरी में या किसी लोक लाज के कारण। लेकिन ईश्वर की तो ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, उसका कोई ऐसा अज्ञान नहीं है, कोई अल्पज्ञता नहीं है। इसलिए त्वम हीन पिता वसो त्वम माता शतक्रतो बभूवीथ। तो वो हमारा पिता भी है, हमारी माँ भी है, हमारा अहित नहीं कर सकता है, ऐसा विश्वास करके 100% पुरुषार्थ करना और उसके साथ साथ प्रार्थना करना, ये ईश्वर परिधान है। प्रार्थना करने से अहंकार की निवृत्ति होती है और विनम्रता की उत्पत्ति होती है। इसलिए प्रार्थना बहुत जरूरी है। केवल पुरुषार्थ एकांगी हो जाएगा फिर, और केवल प्रार्थना फिर निकम्मा बना देगी, निठल्ला बना देगी हमें। मांगते ही रहेंगे हर चीज, भिखारियों को कुछ मिलता नहीं है। पुरुषार्थ भी जरूर करना है। इसलिए प्रार्थना और पुरुषार्थ, ये दो पंख हैं आध्यात्मिक पक्षी को उड़ने के लिए। बहुत जरूरी है प्रार्थनाएं। प्रतिदिन हमारे हृदय से कोई ना कोई प्रार्थना तो निकलनी ही चाहिए, सोते समय या जगते समय। वो प्रार्थना धन्यवाद की हो सकती है, वो प्रार्थना अच्छी शक्तियों के आह्वान के लिए हो सकती है, वो प्रार्थना किसी दूसरों की सेवा करने के लिए शक्ति का आह्वान हो सकता है, जो आपके अंदर है, जो आप चाहते हैं। लेकिन प्रार्थना बहुत जरूरी है, और जो प्रार्थना की है उसके लिए फिर दिन भर पुरुषार्थ बहुत जरूरी है। तो ये इसके अंदर आता है, ईश्वर प्रणिधान के अंदर। ये तीनों अपने आप में इतने बड़े विषय हैं कि इसके ऊपर घंटों घंटों चर्चा की जाए, पुस्तकों की पुस्तकें बड़ी से बड़ी लिखी जाएं तो भी कम पड़ जाएंगी। तप अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, स्वाध्याय अपने आप में बहुत बड़ा है, और ईश्वर प्रणिधान बहुत बड़ा टॉपिक है। और ये महर्षि पतंजलि ईश्वर प्रणिधान को बहुत महत्व देते हैं। इसलिए योग दर्शन में ही कितनी जगह आया है ईश्वर प्रणिधान शब्द, 4 जगह आया है। प्रथम पाद में 2 बार आ गया ईश्वर का नाम, ईश्वर का स्वरूप आया, ईश्वर प्रणिधान आया। फिर अभी दूसरे पाद में आएगा, उसमें यम नियमों में आया है ना, नियमों में आया ना, शौच संतोष तपस स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानात्। और फिर चतुर्थ पाद में आया, तो 4 जगह आया है ईश्वर ईश्वर प्रणिधान। तो इसके ऊपर बहुत बल देते हैं प्रार्थना के ऊपर। तो अब ये तीनों उपाय जितनी जिसकी सामर्थ्य है उसको करते हुए अपने रोज के जीवन को आगे बढ़ाए, इसका नाम क्या है, क्रिया योग, योग और क्रिया योग। इसलिए अपने यहाँ भी एक छोटी सी पुस्तिका बना रखी है स्वामी जी ने, व्यवहार काल का योग, साधना काल का योग। व्यवहार काल का योग ही क्या है, क्रिया योग है, कि व्यवहार में भी हम योग युक्त कैसे रहें, और साधना काल का योग उसमें हम कैसे प्रवृत्तियों को हटा करके ईश्वर के साथ कैसे योग युक्त रहें। तो इसी को यहाँ क्रिया योग कहा जा रहा है। ये किसके लिए है, इसका प्रयोजन क्या है इस क्रिया योग का, तो सूत्र बोलिए, समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थश्च। समाधि भावनार्थ, समाधि को भावित करने के लिए, समाधान खोजने के लिए जीवन में, ये सारा इतना सारा ध्यान रखें, हम अपने चित्त को हटाएं, ट्रेनिंग दें, ईश्वर प्रणिधान की स्थिति में रहें, सहन करें, सहन शक्ति को बढ़ाएं, ये सारा क्यों, ताकि जीवन की समस्याओं का असली समाधान पा सकें। वही समाधि है, समाधि मतलब समाधान। तो समाधि भावनार्थ, समाधि की भावना के लिए, और क्लेश तनुकरणार्थश्च, क्लेशों को कम करने के लिए। कभी भी ये चीजें बदला लेने से या दो एक किसी दूसरे व्यक्ति को झुकाने से, किसी दूसरे व्यक्ति को प्रताड़ित करने से, कभी भी हमारे जो क्लेश हैं अंदर के, अविद्या अस्मिता राग द्वेष आदि, वो कभी भी खत्म नहीं होंगे। माने जिस वस्तु के प्रति हमारा राग है, हम चाहते हैं इसको हासिल कर लेंगे तो हमारा दुख खत्म हो जाएगा, हासिल करने से कभी भी दुख खत्म नहीं होगा। न रागात शांतिर मुनिवत,
मुनि ने 2-3 जन्मों तक अपने बेटे पोते बच्चों की आयु ले ले करके भोगों को भोगा, लेकिन राग की शांति नहीं हुई। तो हमें लगता है कि बाहर के समाधान से ये हमारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा, राग द्वेष आदि क्लेशों का। होगा नहीं, किससे होगा? समाधि से होगा। समाधि कैसे मिलेगी? क्रिया योग से मिलेगी। क्रिया योग क्या है? तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो ये तो करना पड़ेगा हमें जीवन में, क्योंकि हम चक्रव्यूह में पूरे फंस चुके हैं और उससे बाहर हमें निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें हम रह नहीं सकते हैं। निकलने के लिए हमें ये साधना करनी पड़ेगी। इसलिए कभी भी साधना को हम दूसरे के लिए या बर्डन या नियम समझ के फॉलो ना करें। मेरे लिए है ये, मुझे करना है, कोई देखे ना देखे। तो हमें विचार से भी, भाव से भी और कर्म से भी वैसा करना पड़ेगा। तो इन्होंने, सूत्रकार ने बताया, वो क्रिया योग इसलिए है समाधि भावनार्थ, समाधि की भावना के लिए, ताकि समाधि की तरफ आगे बढ़ें, और क्लेश तनुकरणार्थश्च, क्लेशों को थोड़ा कम करने के लिए, सूक्ष्म करने के लिए। नष्ट नहीं होंगे, क्रिया योग से कम हो जाएंगे। आप जैसे सहन करेंगे, आप सेवा को बढ़ाएंगे, तो चित्त शुद्ध होते होते उसमें ये सामर्थ्य आ जाएगी कि वो इरिटेट नहीं होगा। पर अंदर से अभी राग का नाश हो गया ऐसा अभी नहीं होगा इतने मात्र से, उसके लिए फिर और प्रयास करने पड़ेंगे। जैसे कोई बहुत बड़ा सा पेड़ उखाड़ना होता है ना, जैसे सड़क के बीच में आ गया, वो समस्या बन गया, अब रोड जाम कर रहा है, बहुत बड़ा पेड़ है, तो उसको हटाना है तो क्या करेंगे? पहले तो ऊपर से काटते हैं उसको, जड़ के पास से उसको काटते हैं, फिर वहां से हटाते हैं ऊपर वाला। अब वो जो बच गया, फिर उसके चारों तरफ एक खड्डा सा बनाते हैं, जेसीबी से खोदते हैं, फिर उसको जड़ से निकालते हैं। तो ये जो क्रिया योग है, ये समझ लो ऊपर से काटने जैसा है समस्याओं को, और जो समाधि है वो उसको जड़ से संस्कारों को मिटाने जैसा है। स ही आसेव्यमान समाधिम भावयति, क्लेशांश्च प्रतनु करोति। सह कह क्रिया योग, वह क्रिया योग स ही आसेव्यमान, सेवन किया जाता हुआ, जब हम उसका पूर्ण सच्चाई से सेवन करते हैं तो फिर क्या होता है? वो समाधिम भावयति, समाधि को वो हमें समाधि की तरफ ले जाता है, समाधि को पूरा करवाता है, और क्लेशांश्च प्रतनु करोति, और क्लेशों को हल्का करता है। इसलिए जिस व्यक्ति को इस मार्ग में आगे बढ़ना है और अपने अंदर के क्लेशों को उसको कम करना है, वो व्यक्ति बड़ी से बड़ी बात को भी छोटा करना चाहता है। ये हो गया ना, चलो हो गया, अब करना क्या है, इसका समाधान क्या है? मतलब वो उसकी बहुत ज़्यादा कमेंट्री नहीं सुनता है किसी से, ना बताता है किसी को। और जिसको उस तरफ जाना है, वो फिर तिल का ताड़ बनाता है, छोटी सी बात को बहुत बड़ा करके बताता है किसी दूसरे को। किसी का कोई दोष बताना है तो भी फिर बहुत उसको डिटेल में करके बताएगा। अपनी भी कोई समस्या बतानी है तो उसको छोटी सी समस्या को बहुत बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत करेगा दूसरे के सामने। लेकिन इससे होगा क्या? वो और बढ़ जाएगा हमारा, क्योंकि हम ऐसा किस लिए करते हैं? राग या द्वेष के कारण कर रहे हैं, और उसको और ज़्यादा खींचेंगे तो बढ़ेगा क्या? राग और द्वेष ही बढ़ेगा। इसलिए जो बड़ी, जो सच्चाई से क्रिया योग का पालन करते हैं, वो बड़ी से बड़ी बात को भी अपने चित्त से लगाते नहीं हैं। वो कहते हैं जाने दो, कोई नहीं, हो गया, भूल जाओ उसको, छोड़ो। तो ये तिल का ताड़ बनाना और ताड़ का तिल बनाना उल्टा, बड़ी से बड़ी भी घटना हो गई तो उसको छोटा करके हटा दो, और नहीं तो उलझ जाओगे आप झगड़ा करते करते। सही आसेव्यमान समाधिम भावयति, क्लेशांश्च प्रतनु करोति। प्रतनु कृतान क्लेशान प्रसंख्यान अग्निनः दग्ध बीज कल्पान अप्रसव धर्मिणः करिष्यति इति। प्रतनु कृतान क्लेशान, और जो हल्के कर दिए हैं, तनु कर दिए हैं क्लेश, उन क्लेशों को, पहले से तो पेड़ को ऊपर से काटा और फिर उसको जड़ से उखाड़ा, तो यहाँ पहले क्लेशों को तनु किया, हल्का किया, और अब ये हल्के हुए हुए जो क्लेश हैं, इनको प्रसंख्यान अग्निना, विवेक की अग्नि से,
दग्ध बीज कल्पान, अब इनको कैसा कर दिया, दग्ध बीज जैसे कर दिया, पहले हल्का किया, फिर अभी हैं तो संस्कार लेकिन कैसे हैं, दग्ध बीज जैसे हैं। जैसे बीज को दग्ध कर दिया तो अब अंकुरित नहीं होगा ना, बीज तो है, चना तो है, लेकिन भून दिया तो अंकुरित नहीं होगा अभी। तो इनको क्रिया योग से प्रतनु किए हुए जो क्लेश थे, इनको विवेक की अग्नि से, क्योंकि क्रिया योग का अभ्यास करते करते विवेक ज्ञान उद्धृत होने लगता है, तो फिर प्रसंख्यान अग्निना, ज्ञान की अग्नि से, विवेक की अग्नि से, दग्ध बीज कल्पान अप्रसव धर्मिणा करिष्यति, इनको अप्रसव धर्मी बना देता है, फिर ये अंकुरित नहीं होते हैं, इनका प्रसव नहीं होता है, इन संस्कारों से फिर नई वृत्तियां नहीं बनेंगी। तेषां प्रतनुकरणात् पुनः क्लेशैः अपरामृष्टः सत्व पुरुषन्यता ख्यातिः सूक्ष्मा प्रज्ञा समाप्ताधिकारा प्रतिप्रसवाय कल्पिष्यते इति। तेषां प्रतनुकरणात्, और उनका प्रतनुकरण करने से, माने उनको हल्का करने से, वो जो क्लेश हैं, क्लेशैः अपरामृष्टः सत्व पुरुष अन्यता ख्याति, वो जो क्लेश या संस्कार हमने तनु कर दिए थे, वो प्रतनु किए हुए क्लेशैः अपरामृष्टः, अब ये क्लेशों से अपरामृष्ट कौन, ख्याति, इनको करने से, प्रतनु करने से इसको थोड़ी विवेक ख्याति उत्पन्न होती है, और ये जो विवेक ख्याति है ये क्लेशैः अपरामृष्टा स्त्रीलिंग, ये विवेक ख्याति इन क्लेशों से फिर जुड़ती नहीं है, संलिप्त नहीं होती है, अपरामृष्ट रहती है। जब उन क्लेशों को भून दिया तो भूना किससे, ज्ञान की अग्नि से, विवेक की अग्नि से, तो ये जो विवेक ख्याति है ये इन, ये जो दग्ध बीज संस्कार कर दिए इनसे ये अभी संश्लिष्ट नहीं होती है। जब हमारी बुद्धि क्लेशों से संश्लिष्ट होती है तभी तो हम प्रवृत्त होते हैं ना पाप करने में। हमारी बुद्धि जब राग द्वेष मोह अहंकार आदि से संश्लिष्ट हो जाती है, तद्रूप हो जाती है, तो फिर हम वैसे हो जाते हैं, रागी हो जाते हैं, द्वेषी हो जाते हैं, क्रोधी हो जाते हैं, मोही हो जाते हैं, और हमने उनको तो प्रतनु करके दग्ध बीज कर दिया, दग्ध बीज जैसे कर दिया राग द्वेष आदि को, और किससे, विवेक ख्याति से, ज्ञान से, ज्ञान से हमें पता लगा कि इन वस्तुओं को प्राप्त करने में, इनकी उपलब्धि में समाधान नहीं है, इनसे डिटैच होने में समाधान है, ये विवेक की अग्नि है। इस अग्नि से वो प्रतनु जैसे हो गए, अब वो ज़्यादा सिर नहीं उठाएंगे राग द्वेष आदि। तो ये हमारी बुद्धि है, ये कैसी रहती है, क्लेशैः अपरामृष्टा, ये इन क्लेशों से अपरामृष्ट हो जाती है, उनसे डिटैच होने लगती है फिर, जो जिसकी अभी थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर रहे थे, तो वो विवेक की अग्नि से ही ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति उनके साथ तद्रूप ना हो विचारों और भावनाओं के साथ। क्लेशैः अपरामृष्टा सत्व पुरुष अन्यता ख्याति, ये ख्याति कैसी है, सत्व और पुरुष की अन्यता को दिखाने वाली। ऐसा वो तब कर पाएगा जब उसको ये विवेक हो जाए कि बुद्धि अलग है और मैं आत्मा अलग हूँ, प्रकृति अलग है, मैं पुरुष अलग हूँ, ये है सत्व पुरुष की अन्यता ख्याति, दोनों भिन्न हैं, ये ख्याति होना, ये विवेक होना। ये क्या है, सूक्ष्मा प्रज्ञा समाप्ताधिकारा, तो ये सूक्ष्म प्रज्ञा, ये सूक्ष्म विवेक ख्याति, ये कैसी है, समाप्ताधिकारा, ये चित्त को किधर ले जाती है, अधिकार की समाप्ति की ओर, कृतकृत्यता की ओर ले जाती है ये। प्रतिप्रसवाय कल्पिष्यते इति, और ये बुद्धि उसको प्रतिप्रसव के लिए आगे बढ़ाती है चित्त को, उस योगी को, माने ये जो विवेक ख्याति रूपिणी जो सूक्ष्म बुद्धि है, ये कृतकृत्य होकर के, समाप्ताधिकार होकर के लीन होने में समर्थ हो जाती है, प्रतिप्रसव के लिए, अपने मूल कारण में लीन होने के लिए समर्थ हो जाती है। तो अब जिन क्लेशों को हमें तनु करना है और जिन क्लेशों से हमें अपरामृष्ट रहना है, वो क्लेश कितने हैं और वो कौन से हैं, तो ये हम कल पढ़ेंगे, अभी समय हो गया, अभी यहीं विराम देंगे पाठ को।
शांति 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 ही श्री गुरुभ्यो नमः।